अगर आपके बच्चे पूरी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं और आप भी को समझ में नहीं आता कि लंच में क्या बनाएं, तो आप आलू की इडली बनाकर दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी की रसोई। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी मत करें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की इडली, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में रखें या ऐसे ही कभी भी स्नैक्स के रूप में बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ। यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं और दो मिर्ची ले लिए हैं, इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। साथ ही मैं यहाँ दो कटोरी मैंने सूजी ली है, एक कटोरी दही लिया है। साथ ही मैं अब हम इसके साथ एक चटनी भी बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। जिसके लिए मैंने यहाँ सामग्री ले ली, नारियल ले लिया है, भुंजे चने ले लिए हैं, रोस्टेड मूंगफली ले ली है, धनिया ले ली है, मिर्ची ले ली है, साथ ही में मीठी नीम ले ली है और इसमें भी हम दही डालेंगे। चलिए पहले हम आलू को पीस लेते हैं। यहाँ हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इस पर हम ये आलू और मिर्ची को डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। पीस, अब आप देख सकते हैं ये पिस चुका है। चलिए अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। यहाँ हमने कटोरा ले लिया है, इसमें हम ये दो कटोरी सूजी डाल देंगे, साथ ही में इसमें हम दही डाल देंगे जो हमने निकाल के रखा था एक कटोरी के करीब, और जो हमने ये मिक्सर पीस के रखा है इसको भी इसमें मिला देंगे और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको अब हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट हो जाने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, और फिर इसके बाद हम इसमें नमक डाल के इसको बनाएंगे। 10 मिनट बाद मिलते हैं, जब तक हम चटनी बना लेंगे। हम चटनी पीसेंगे, जिसके लिए हमने फिर से वही जाल ले लिया है, इस पर हम ये नारियल डाल देंगे, साथ ही में ये चने डाल देंगे और ये रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम धनिया डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, आप जितना तीखा खाते हो उतने तीखे के हिसाब से डालें, और थोड़ी सी इसमें मीठी नीम डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें दही भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए और बहुत टेस्टी लगता है दही इसमें। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। एक बार बना के जरूर देखें, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप चाहें तो चटनी को पहले से बना के रख सकते। अब हम इसको पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसको रखे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे। ये ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों के लिए बनाया है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे, इसको 10 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। एक ही साइड, और फिर इसकी हम इडली बनाएंगे। अब ये अच्छे से फिट चुका है और हमने इस स्टैंड में भी तेल लगा चुका है। अब हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाएंगे, करीबन आधा पैकेट के करीब, और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और जल्दी से इसको मिलाने के बाद अच्छे से इसको, ये देखिए अब हम इसको इसमें मोल्ड में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालें। ऐसे ही हम सारे मोल्ड में भर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमने सांचे को रख दिया है और पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने ये भरे हुए इडली के सांचे को इसके अंदर रख देंगे सारे।
अब आप देख सकते हैं हमने सारे सांचों को इडली स्टैंड के अंदर रख दिया है और अब हम ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पक जाने देंगे। अब इसको रखे 15 मिनट हो गए हैं, खोल के चेक करेंगे कि ये हो गया है कि नहीं। आप आराम से करें क्योंकि ये बहुत हॉट होता है, इसलिए आप देख सकते हैं ये हो चुकी है बहुत। हम इसको चाकू से देखेंगे कि ये हुई है कि नहीं। देखिए चाकू क्लीन आ रहा है, मतलब ये हो चुकी है। अब हम इसको मोल्ड से निकालेंगे, पहले 5 से 10 मिनट ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसको मोल्ड से निकालेंगे। अब हमने एक कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो जाने देंगे इसमें। इसमें हम 1 चम्मच के करीब राई डाल देंगे और इसको अच्छे से तड़क जाने देंगे। साथ ही में हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। इसको अच्छे से हो जाने देंगे। साथ ही में इसमें हम कुछ थोड़ी सी नीम की पत्ती और मिर्ची डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी आता है। अब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब हमारा मसाला हो चुका है, अब हम इसमें ये इडली को रख देंगे, आलू की इडली को, जो कि हमने बन चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। और अब हम इसको 5 मिनट हो जाने देंगे और फिर इसको पलटा देंगे ऐसे करके। अब हम इससे 10 से 5 मिनट तक ऐसे हो जाने देंगे। अब ये इडली हो चुकी है, हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आलू की इडली बनकर तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार बनाकर जरूर देखें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। बाय बाय गाइस, मोर अपडेट नए वीडियो में मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।